रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम DCP साउथ जोन के ऑफिस में नवाब अब्बास अली ख़ान साहब, नवाब मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब हुसैनी कोठी, मैं मीर अशफाक अली ख़ान आर्किटेक्ट, नवाब हैदर अली ख़ान साहब मरहूम का फर्जन जो स्पोर्ट्स चेयरमैन थे, आज हमने राजा सिंह के अगेंस्ट मीर चौक PS में और DCP साहब को आज कंप्लेन दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हैदराबाद के जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो गंगा जमनी तहजीब थी और जो सुकून था, इसको ख़राब करने की बेहद कोशिश हो रही है। और हमने और ये राजा सिंह के जितने भी पुराने 2015 से आज तक जितने केसेस थे, उसकी तमाम लिस्ट को लिस्ट पेश किए हम लोग DCP साहब को, और ये इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेने का हम रिक्वेस्ट किए हैं हमारी तरफ से। और हैदराबाद के तमाम नवाबीन जितने भी, जैसा इनायत जंग की ड्योड़ी के अजहर नवाब, नवाब अजहर साहब और तमाम लोग की तरफ से, सैयद अली शहरियार साहब और जितने भी नवाबीन हैदराबाद के हैं, उन सब की तरफ से हम आज DCP साहब और मीर चौक PS में कंप्लेन दिए हैं कि राजा सिंह के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस के जो MLA साहब है पाशा खादरी साहब, जो राजा सिंह को के अगेंस्ट जो कंप्लेन दी, उनका भी हम बहुत ही शुक्रगुजार है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का। TRS हुकूमत भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि राजा सिंह के ऊपर जल्द से जल्द सख्त एक्शन लिया जाएगा। सैयद लायक अली मेरा नाम, हम जो है यहाँ पे हमारे बड़े मोहतरम अब्बास अली ख़ान साहब, मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब और असगर अली ख़ान साहब, हमारे अशफाक अली ख़ान साहब और अकबर अली रजवी साहब के साथ हम यहाँ पे एक शिकायत दर्ज कराने आए हैं। शिकायतें तो राजा सिंह के ख़िलाफ़ बहुत शिकायतें हुई है और कई केस मुकदमे इसके ऊपर 2015 से चलते आ रहे हैं, मगर थोड़ा सा पॉलिटिकली प्रेशर आ रहा है सेंटर से, जो रुके हुए है और पुलिस थोड़ा एक्शन लेने में आगे पीछे हो रही है। तो लिहाजा हमने एक मुद्दा लेके जो है ना, क़ानून की मदद के ज़रिए हम आए हैं यहाँ पर। तो क़ानून से हम ये मदद चाहते हैं कि ऐसे शख्स को शहर बदर कर देना ही बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर इतने केसेस है कि इसको PD एक्ट के तहत जो है ना, शहर बदर कर देना ही बेहतर है। क्योंकि ये बार बार हर थोड़े दिन में कुछ बोलेगा, फिर हमारे नौजवान जो है ना, फिर कुछ निकलेंगे बाहर, फिर उन्हों मार ले रहा, इन्हें मार ले रहा, फिर वो हिंदू भाई, ये मुसलमान भाई, ये नाइतफाकियाँ पैदा हो रहे हैं। इस चीज़ को बार बार हर थोड़े दिन में करना और पुलिस के लिए भी एक सरदर्द बन गया है राजा सिंह, क्योंकि राजा सिंह को शहर बदर कर देना ही बेहतर है। क़ानून के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरा अमन रहेगा। रियासत तेलंगाना जो पूरा अमन रह रही है, गंगा जमुना तहजीब के ज़रिए जो चल रही है हमारी रियासत तेलंगाना, बिल्कुल पुरअमन रहेगी अगर इसको शहर बदर कर देंगे। कानून से हमारी एक इल्तिजा, एक दरख्वास्त यही है, बिनती यही है, हाथ जोड़ के हम कानून से ये दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं बजरिया मीडिया के, कि मीडिया इस हमारी मैसेज को कानून तक भी पहुँचाए, बड़े ऑफिसर तक और हुकूमत तेलंगाना तक भी पहुँचाए मीडिया हमारा मैसेज, ताकि ये राजा सिंह शहर से बाहर चला जाए तो ये किटकिटी ख़त्म हो जाएगी और जो मजदूर है, जो रोज़मर्रा के कमा के खाने वाले हैं, वो लोग भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और हमारे नौजवान हिंदू भाई, मुसलमान भाई जो मिलजुल के रहते हैं, उसको बरकरार रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम यही हुकूमत से और कानून से मदद चाहते हैं, और ताकि राजा सिंह जल्द से जल्द शहर बदर हो जाए।